पहले इस बात पे एतराज उठाते थे कि घर पे पड़ा रहता हूँ, काम काज नहीं करता हूँ। अब जब काम करने लगा हूँ तो आप लोगों को मसले होना शुरू हो गए। ये तुम निमरा की प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो, क्यों? क्योंकि वो अब मेरी भी प्रॉपर्टी है, मैं उसे नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? अब उस सब की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र इस बात का नहीं है बेटा, फिक्र इस बात का है कि तेरी आंखों में अपने लिए सर्द मोहरी देख रहे हैं। ये मत भूलो, ये रिश्ता हमारे कहने पे तुमने किया है और हमने किसी मकसद के लिए हामी भरी थी। और ये भी मत भूलो कि ये पूरी प्रॉपर्टी तुम अकेले को हजम नहीं करने देंगे। वैसे अब्बा, सही कहा है किसी ने, दौलत बड़े बड़े अपनों का ना खून सफेद कर देती है। पता नहीं आप लोग क्या सोचे बैठे हैं मेरे बारे में। तो क्या सोचे तुम्हारे बारे में है? क्या सोचे? गलत ना सोचे तो निमरा से सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ तुमने अपने हाथ में कर लिया। उसकी सारी ज्वेलरी जो है वो तुमने अपनी माँ से हथिया ली। हम कुछ मांगते हैं तो गिन गिन के हिसाब करके हमें देते हो और कह रहे हो कि तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है। ये सब क्या है? एक तो मैं थका हारा घर आया हूँ, ये नहीं कि कोई मुझसे खाना पानी पूछ ले। एक फालतू सी भैंस लेकर बैठ गए आप लोग, आने ही नहीं चाहिए ना मुझे। ये बच्चा खुश नहीं रह सकेगा, ये माँ बाप का दिल दुखा रहा है, इसे सुकून नहीं मिलेगा, ये देख लेना। और यार, चाय तो ढंग की बना के लाया करो, ऊपर से टूटे हुए कप में ला के दे दी है। अच्छा, मैं ताजी बना देती हूँ। कप भी दूसरा लाना। कोई चैन नहीं है इस घर में, कोई सुकून नहीं है।